आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है, चित्र में ए बी सी डी एक 2a भुजा वाला वर्ग है। तो देखिए, मैं एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा अपने पास 2a तथा अंतः व बाह्य वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ना देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, अंतः मतलब जो अपने वाले अंदर वाला जो वृत्त है तथा जो बाहर वाला वृत्त है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे, तो यहाँ यदि मैं देखूँ तो देखिए दोस्तों, हमारे पास आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो जो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी वो अपने पास ये वाली त्रिज्या होगी ना। तो देखिए दोस्तों, ये वाली त्रिज्या को मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे पास आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है ना। और देखिए, ये कह रहा है कि हमारे पास जो वर्ग की भुजा है वो अपने पास 2a है ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो इसका आधा होगा वो अपने पास क्या होगी, a होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इसकी त्रिज्या होगी वो भी अपने पास a होगी ना। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे पास ये एक वर्ग है जिसकी भुजा अपने पास 2a है और ये हमारे पास वर्त है जिसकी त्रिज्या अपने पास है। देखिए कितनी हो जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या मैंने निकाली तो देखिए हमारे पास 2a भुजा का वर्ग है जिसका हाफ अपने पास यहाँ पे है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी त्रिज्या हो गई a है ना। और बाहरी वर्त की त्रिज्या मैं निकालूँ तो देखिए दोस्तों, बाहरी वर्त की त्रिज्या अपने पास, तो देखिए बाहरी वर्त का व्यास अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, पहले इसका व्यास निकाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास आंतरिक वर्त की त्रिज्या क्या आ गई, आंतरिक वर्त की त्रिज्या जो आ गई, आंतरिक वर्त की त्रिज्या जिसे मैं आर वन बोल रहा हूँ ना, आर वन जो आ गई वो आ गई अपने पास ए है ना। और बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए ये पूरा व्यास निकालता हूँ ना। देखिए मेरे पास ये बाहरी वृत्त का व्यास है एसी ना, तो एसी है वो अपने पास बाहरी वृत्त का व्यास है ना, तो बाहरी वृत्त का व्यास है ना। तो देखिए दोस्तों, व्यास किसे निकालूंगा, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यदि मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा ना, तो ये है अपने पास 2a है ना, और ये भुजा भी अपने पास 2a है ना, ये भुजा अपने पास 2a है, ये भुजा अपने पास 2a है ना। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे पास जो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ना, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे पास कर्ण क्या है, कर्ण अपने पास ए सी है ना, तो ये जाएगा अपने पास ए सी का स्क्वायर बराबर आधार, आधार देखिए हमारे पास ये है 2a का स्क्वायर और 2a का स्क्वायर ना। तो देखिए दोस्तों, ये जाएगा अपने पास 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, तो देखिए दोस्तों सॉरी 2a का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे पास ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ 8a का स्क्वायर, 8 का अंडर रूट कितना होता है 2, अंडर रूट 2, दो अंडर रूट 2 आ गया अपने पास ए सी है ना। तो देखिए दोस्तों, आ गया अपने पास 2 अंडर रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है देखिए ओ सी है ना, ओ सी हमारे पास क्या है, वर्त 2 की त्रिज्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि ए सी हमारे पास व्यास था, तो त्रिज्या आर टू क्या हो गई, आर टू हो गया अपने पास 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और आर टू आ गया अपने पास अंडर रूट 2 इंटू ए है ना। अब हमें क्या निकालना है कि अंतः तथा बाह्य है ना, अंतः तथा बाह्य वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात है ना। तो देखिए दोस्तों, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल जो हो गया दोस्तों वो हो गया अपने पास, देखिए वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर, और आर अपने पास क्या है, आर है अपने पास आर वन। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा अपने पास पाई इंटू, देखिए आर वन अपने पास कितना है, आर वन अपने पास ए है ना, देखिए वर्त की त्रिज्या अपने पास ए है, तो हो जाएगा अपने पास पाई इंटू ए का स्क्वायर जो हो जाएगा अपने पास पाई ए स्क्वायर ना। और बाहरी वर्त की जो त्रिज्या है ना, बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल ना, वो हो जाएगा अपने पास पाई इंटू आर टू का स्क्वायर, और आर टू कितने आई अपने पास, आर टू अपने पास रूट टू आई, तो जगह अपने पास पाई इंटू आर टू आया अपने पास अंडर रूट टू ए का होल स्क्वायर, तो जगह अपने पास पाई इंटू, देखिए यहाँ ये हो गया रूट टू का स्क्वायर टू, तो जगह अपने पास टू इंटू ए है ना, जो आया गया अपने पास टू ए पाई है ना। अब हमें क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है ना। तो देखिए दोस्तों, अंतः डिवाइड बाई बाहरी ना, अंतः व्रत का क्षेत्रफल डिवाइड बाई बाहरी व्रत का क्षेत्रफल ना। तो देखिए दोस्तों, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास अंतः व्रत का क्षेत्रफल क्या आया था, पाई ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ हमारे पास ए का स्क्वायर, तो यहाँ से ए का स्क्वायर भी आएगा ना, तो यह जाएगा टू ए स्क्वायर पाई। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा पाई इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू ए स्क्वायर इंटू पाई है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे पास पाई से पाई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा अपने पास एक अनुपात दो ना। तो यहाँ से हमारे पास जो अनुपात आ गया वो आ गया अपने पास एक अनुपात दो ना, और ये हमारा उत्तर हो गया ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे पास सबसे बड़ा टास्क क्या था कि हमारे पास इनकी त्रिज्या ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, पहले वर्त की त्रिज्या तो हमें ए दिख रही थी ना, दूसरे वर्त की कैसे निकाली, ये हमारे पास इसका पूरा व्यास था दूसरे वर्त का, तो हमारे पास इसका आधा अपने पास इसकी त्रिज्या हो गया ना। तो व्यास कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी है ना, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये हमारे पास समकोण निकल रहा था इसलिए पाइथागोरस लगा दी, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर
विकर्ण स्क्वायर बड़ा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास एसी आ गया, एसी का डिवाइड बाई टू करके हमारे पास त्रिज्या आ गया ना। फिर हमारे पास वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई आर स्क्वायर लगाया तो हमारे अनुपात निकाले आंसर आ गया। धन्यवाद दोस्तों, उत्तर हो गया। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।